जय माता की दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ भूतनाथ का मेला। यहाँ की अनूठी मान्यता है वैश्याओं से जुड़ी, संतान सुख की कामना के लिए श्रद्धालु करते हैं इनकी पूजा और जात। मान्यता अनुसार चैत्र कृष्णाष्टमी को प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला संतान सुख समृद्धि प्रदान करने वाले भूतनाथ महाराज जी का लोक मेला। यहाँ पर लोग अपने बच्चों की मंगल कामना और संतान सुख का आशीर्वाद लेने यहाँ दूर दूर से पहुँचते हैं। इसके साथ ही यहाँ नगर वधुओं से जुड़ी पुरानी परंपरा है, ये मान्यता इस लोक मेले को एक अलग ही पहचान देती है। ये मेला भक्ति श्रद्धा और आस्था विश्वास का प्रतीक है। मेले में घरेलू उपयोगी वस्तुओं की दुकान, खाने पीने के योग्य आइटम और धार्मिक वस्तुओं के साथ नौटंकी आदि के पंडाल इस मेले का आकर्षण बढ़ाते हैं। आइए आपको पूरे इस मेले से जुड़ी जानकारी बताते हैं और दर्शन करवाते हैं भूतनाथ महाराज के और बताएंगे यहाँ की मान्यता के बारे में। तो दोस्तों, भूतनाथ के मेले के नाम से जाना जाने वाला ये लोक मेला फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज अंतर्गत कंपिल के पास के जोधपुर गांव में लगता है। ये मेला हर वर्ष यहां आयोजित किया जाता है, जो कि प्रतिवर्ष चैत्र मास की कृष्णाष्टमी को लगता है। इस मेले से ग्रामीण लोगों की अटूट आस्था जुड़ी हुई है। संतान सुख की कामना से दूर दूर से यहाँ लोग दर्शन पूजन करने और आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। जो ये स्थान दिख रहा है, यही भूतनाथ महाराज का स्थान है। इन्हीं का आज के दिन मेला लगता है। आज के दिन इनकी पूजा अर्चना करने का महत्व माना गया है, इसलिए आप देख सकते हैं आज यहाँ कई लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ दर्शन करने और आशीर्वाद लेने आए हुए हैं। यहाँ ग्रामीण श्रद्धालुओं की सबसे अधिक भीड़ होती है। काफी दूर दूर से लोग श्रद्धालु यहाँ का मेला और दर्शन करने आते हैं। आइए जानते हैं कौन है भूतनाथ और क्या है यहाँ की मान्यता। भूतनाथ महाराज जी का स्थान सिद्ध और प्राचीन स्थान है, पर यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि यहाँ एक साथ पांच पेड़ों के समूह के रूप में एक विशाल वृक्ष है। ये पांचों पेड़ों का चबूतरा ही भूतनाथ का प्राचीन स्थान है। यहाँ सभी जात समुदाय के लोग अपनी आस्था रखते हैं। साथ ही ये मेला आज से नहीं बल्कि बड़े बुजुर्गों के समय से होता चला आ रहा है। स्थानीय बुजुर्गों का कहना था, ये मेला वो बचपन से देखते आ रहे हैं, साथ ही उनके पूर्वजों को भी यह मेला कब से लगना शुरू हुआ है इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए ये स्थान काफी पुराना प्राचीन समय का है। वैसे तो भूतनाथ महाराज जी के बारे में लोगों की अपनी अपनी लोक मान्यता और धारणा है। कुछ लोगों के अनुसार भूतनाथ महाराज शिव का रूप है, तो कुछ लोग इनको भूत प्रेत के राजा भूतनाथ के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य समुदाय के लोगों के अनुसार इस स्थान को जिंद बाबा का स्थान मानते हैं। लोगों की भूतनाथ महाराज में अपनी अपनी श्रद्धा है। सबसे ज्यादा लोग इनको भूतनाथ के नाम से जानते हैं, पर मैं अपनी राय दूं तो ये स्थान एक यक्ष का है, क्योंकि पौराणिक प्रमाणों में यक्षों का निवास वृक्षों में माना जाता है। यक्षों की साधना भी मनोरथों को पूर्ण करने के लिए की जाती है। साथ ही यहाँ नौटंकी और नगर वधुओं के नृत्य की मान्यता से सिद्ध हो जाता है। ये स्थान भूतनाथ महाराज यानी एक यक्ष देव का स्थान है। यक्षों को नृत्य गान बहुत प्रिय होता है।
यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बताया, यहाँ सबसे ज्यादा बच्चों की मंगल कामनाएं और संतान से जुड़ी कामना के लिए लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर लोग बच्चों के लिए मन्नत मांगते हैं और लोगों की वह मन्नत पूरी होती है, लोगों का ऐसा विश्वास है। मन्नत पूरी होने के बाद लोग यहाँ आकर बच्चे का मुंडन संस्कार करवाते हैं और प्रसाद, भूख, वस्त्र, घंटा आदि पूजन सामग्री चढ़ाते हैं और यहाँ की प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा फेरी लगाते हैं। साथ ही यहाँ वैश्यव तवायफों से जुड़ी एक पुरानी परंपरा प्रचलित है। यहाँ नगर वधुओं द्वारा बच्चों को फेरी लगवाई जाती है। नगर वधुओं को यहाँ सम्मान की दृष्टि से मानते हैं और अपने यहाँ की अनूठी मान्यता पूरी करने हेतु श्रद्धालु दर्शनार्थी नगर वधुओं से आशीर्वाद और जात पूरी करवाते हैं। इस परंपरा के चलते ये मेला अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। इस प्रकार इस मेले का धार्मिक महत्व जुड़ा हुआ है। मेरे भूतनाथ सरकार, मेरे बाबा भोलेनाथ, तेरे दर पे जो भी आया वो तो तेरा हो गया। मेरे भूतनाथ सरकार, मेरे बाबा भोलेनाथ, तेरे दर पे जो भी आया वो तो तेरा हो गया। और यहीं पर पूजन सामग्री और प्रसाद की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है, जहां से सभी भक्त और दर्शनार्थी भूतनाथ पर प्रसाद अर्पित करने के लिए खरीदते हैं। Yeah.
तो दोस्तों मैंने भी कर लिए यहाँ के दर्शन और यहाँ सच में बहुत ही अच्छा महसूस होता है। लगता है कि सच में यहाँ कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। यहाँ इनके स्थान पर आकर एक अलग ही पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। ये स्थान सच में काफी सिद्ध और जागृत है। तभी यहाँ दर्शनार्थियों की अटूट आस्था जुड़ी हुई है। और आपको दिखाते हैं अब इस मेले में कौन कौन सी दुकानें लगी हुई है। वैसे तो ये आम मेलों की तरह ही एक मेला है जिसमें सभी घर में उपयोग होने वाली वस्तुएं मिल जाती है। ये छोटी छोटी दुकानें मेले के आकर्षण को बढ़ाती है। लोग यहाँ से भारी संख्या में खरीददारी भी कर रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ काफी भीड़ है।
हेलो दोस्तों, इस प्रकार की छोटी छोटी दुकानें यहां सजी हुई है और अब शाम होने को है। देर शाम तक यहां मेला चलता रहता है। Thank you.
के स्वामी भूतनाथ विराजे शमशान में, भूतों के स्वामी भूतनाथ विराजे शमशान में। तारा का यशगान खाली करे कल्याण, जहाँ अष्ट प्रहर जागे जागे शमशान। तो दोस्तों, ये था फर्रुखाबाद जिले में कायमगंज अंतर्गत जोगपुर गांव का भूतनाथ महाराज का मेला। तो दोस्तों, आपको ये मेला कैसा लगा और किसको किसको इस मेले के बारे में पहले से पता है वो अपना अनुभव बताए। वीडियो को लाइक शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक जानकारियों से भरे वीडियो देखने के लिए कलयुग धार्मिक आस्था चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। हर हर महादेव।